हमारी कोई अपनी इच्छा शक्ति नहीं है। आप मध्य प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कर दो, जहां पर मेरा आश्रम है, हमारी पूरी भारतीय सचेतना पार्टी आपका समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त कर दे, हम उत्तर प्रदेश में पूरा समर्थन देंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं सत्य की आवाज उठाने के लिए। मगर मैं ये राय है, आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है, साथ ही उसे तुम्हें भविष्यवाणी भी मान सकते हो। मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी जब बीजेपी के दो सांसद भी नहीं थे। मैंने कहा था 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत का शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। उस समय की भविष्यवाणी मेरी पड़ी हुई है, रिकॉर्ड में उसे आप देख सकते हो। पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, 2024 के लिए हलचल मची है, सभी विपक्षी एक हो रहे हैं। क्या होगा संशय में है, यह मेरी भविष्यवाणी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहता हूं, कार्य करो, हार जीत का विचार भुला दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, उसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि आवश्यक है। आज अधर्मी अन्यायी हमारी राष्ट्र की सेनाओं पर आवाज उठाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंगों का समर्थन करते हैं, सेनाएं जो हमारे रक्षा के लिए हफ्ते हफ्ते अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, हम सुख सुविधाओं से रहते हैं, वे सीमाओं में किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, एक बार विचार करके देखो। राजनीति करिए, मुद्दों पे आवाज उठाइए, कोई बुराई नहीं है, मगर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का समर्थन करो तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाए या ना उठाए, भारतीय सचेतना पार्टी और मैं हर मंचों से आवाज उठाता हूं। बिल्कुल जय भगवान की, मैं सत्य का समर्थक हूं। पूरी विपक्ष एक हो जाए, अगले लोकसभा चुनाव में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आपने शक्तिपुत्र महाराज की भविष्यवाणी को सुना, 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। तो उन्होंने बताया है कि 2024 में बीजेपी ही सत्ता पर काबिज होगी। तो शक्तिपुत्र महाराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश को अगर नशा मुक्त करते हैं बीजेपी, तो हमारा उनको समर्थन है, और उत्तर प्रदेश को लेकर भी उन्होंने यही बात कही। तो शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थन करते हैं, हमारे सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, उन्हें चेताया है उन्होंने। जो जवान हमारे देश की सुरक्षा रात दिन करते हैं, अपने प्राणों का निछावर करते हैं, उनके लिए सम्मान की भावना न रखकर कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग होते ही हैं, तो उन्हें शक्तिपुत्र महाराज ने चेताया। आपने देखा इस वीडियो में, तो उन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि 2024 में बीजेपी ही सत्ता पर काबिज होगी, यानी विपक्षी चाहे जोर लगा ले, सब मिलकर एक हो जाए, तो भी वह बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। तो आपके शक्तिपुत्र जी महाराज की भविष्यवाणी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।